नमस्कार दर्शक मित्रों, एक्सोटिक वेब मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित है फिरोज भाई मोरकस, जो है ट्रेनर, काउंसिलर, ओरा रीडर एंड हीलिंग का भी वो बहुत ही अच्छा मतलब गाइडेंस देते हैं सबको। तो आज हमने हमारे स्टूडियो में उनको बुलाया है आप सभी के लिए। तो फिरोज जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो थैंक यू। में। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी, मैं हमेशा आपको ऑब्जर्व करती हूँ और जी बहुत सारी चीजें आप एक साथ करते हो, तो कैसे कर पाते हो? बाद में हम आपका इंट्रोड्यूस भी करेंगे। देखिए यामिनी बेन, ऐसे तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज पहले किए हैं और बहुत ही इसके अंदर डीप उतरा हूँ। मेरी स्पिरिचुअल फील्ड एक्चुअली लास्ट 14 इयर्स से मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी अलग अलग प्रकार की फील्ड में मुझे काम करने का शौक था। इसके लिए आधे लोग मुझे मल्टी टैलेंटेड भी बुलाते हैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि मेरे पास अलग अलग फील्ड में मैं काम करता हूँ, मेरे वर्कशॉप चल रहे हैं और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि दूसरों का फायदा कैसे हो। तो ये हिसाब से मैं आगे आगे बढ़ता गया और विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग। और ब्लेसिंग्स, आप सबके ब्लेसिंग्स है, पब्लिक के बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे पे। जी, बहुत ही बढ़िया बात है। आप वैसे मैंने आपका थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दिया है, जी। लेकिन आपके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे मैडम ने बताया, मेरा नाम फिरोज मोरकस है। मैं खुद हीलर हूँ, ट्रेनर हूँ, ऑरा रीडर हूँ, फैसिलिटेटर हूँ। मेरे वर्कशॉप्स चल रहे हैं पूरे गुजरात में। मेरा एक हीलिंग सेंटर है नानपुरा पालिया स्ट्रीट में, जहाँ मैं मेरे ऑफिस के तौर पे हम वहाँ मेरे मित्रों आते हैं, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, उसको मैं फैसिलिट करता हूँ। हर एक चीज़, जो जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मेरे वर्कशॉप्स चलते हैं अहमदाबाद से लेके वापी तक। अहमदाबाद में भी होते हैं, बड़ौदा में होते हैं, सूरत, नवसारी, वलसाड एंड वापी, ये हर जगह मेरे वर्कशॉप्स होते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे होते हैं मेरे वर्कशॉप्स। आई एम रनिंग विद 8 सब्जेक्ट्स। बच्चों का भी मैं करा रहा हूँ वर्कशॉप्स, जैसे मेरा रिसेंटली भी होटल लॉर्ड्स प्लाजा में हुआ था। वैकेशन में मैं कराता हूँ बच्चों के मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन के। ऑरा का कराता हूँ वर्कशॉप्स, चक्र का कराता हूँ, थर्ड आई का कराता हूँ। मैं यूएसए सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ एसएस बार का, जो सूरत में बहुत कम है। वो हेड पॉइंट्स के ऊपर हम काम करते हैं। मेरे सेंटर में हम डिप्रेशन, माइग्रेन जैसे अलग अलग चाइल्ड काउंसलिंग, पेरेंट काउंसलिंग, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे सब लोग आते हैं। मैं DMIT काउंसलर हूँ, जो बच्चों का कैरियर काउंसलिंग करता हूँ, पेरेंट्स काउंसलिंग करता हूँ, कपल्स काउंसलिंग करता हूँ। अच्छा, डिप्रेशन, माइग्रेन, इंसोमिया, जिसको जो जो प्रॉब्लम है वो सब मेरे सेंटर पे होते हैं। मेरे सेंटर पूरा दिन चलता है। प्रोफेशनली मैं अंदर ही हमेशा इतना इन्वॉल्व रहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास आए वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेके चले जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इतना सारा वर्क एक साथ करते हैं और सबको, मतलब जो भी आपके यहाँ आते हैं उनको सही तरह से न्याय देना आपका फर्ज बनता है। तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं? एक साथ अगर सब लोग आ जाते हैं तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली तो मेरे ऑफिस पे जो है वो मेरे अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से सब चलता है जी। और जब मेरे वर्कशॉप्स होता है तब हम लिमिटेड सीट्स अलॉट करते हैं। मेरे वर्कशॉप ज्यादातर सूरत में तो होटल लॉर्ड्स प्लाजा में होते हैं और ये कम से कम लास्ट 10 से 12 साल से मैं करा रहा हूँ। और ऑफिस में मेरे अपॉइंटमेंट होते हैं, अपॉइंटमेंट के लेके सब आते हैं, उनका सुनता हूँ पहले, जो जिसको जो जरूर है। जैसे डॉक्टर जो दवा हर एक को अलग अलग देते हैं जिसको चाहिए, बस ऐसे ही मेरा भी काम है, जिसको जो डोज चाहिए वो हिसाब से मैं देता हूँ और मैं मदद करता हूँ। बहुत ही बढ़िया। ये आप कितने साल से मतलब कर रहे हैं? ये लास्ट में 12 साल में, 12 साल से मैं इन्वॉल्व हूँ, लेकिन पिछले 10 साल से मैं आप बोल सकते हैं कि मैं टोटल इन्वॉल्व हूँ। 2008 से मैं ये फील्ड में एकदम 100% मेरा डेडिकेशन है। जी, आपके साथ आप अकेले ही सब मैनेज करते हैं? आपने, मैंने अभी अभी सुना कि आपके साथ आपकी वाइफ मींस वो भी जुड़ी हुई है। तो मतलब किसी को क्या होता है कि जब कोई वर्क करता है तो अगर फैमिली मेंबर साथ में जुड़े होते हैं तो वो अच्छी तरह से वर्क कर जी, पाता जी। है। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे, वो कैसे सपोर्ट करते हैं आपको? जी, एक तो पहले बता दूं कि मेरे फुल सपोर्ट में मेरी वाइफ 24 आवर्स मेरे साथ सपोर्ट में रहती है। उसने भी सब तरह की ट्रेनिंग ली है मेरे साथ में पहले, और हमने अक्सर देखा है कि जब लेडीज आते हैं तो मैं खुद जेंट्स हूँ, तो लेडीज को ऐसा लगता है कि जेंट्स के साथ वो कंफर्टेबल नहीं रह सकते। तो पहले तो मैं सालों पहले मैंने यही सोचा था कि अगर मेरी वाइफ मेरे साथ जुड़ जाए तो जो लेडीज है वो कंफर्टेबल रहेंगे लेडीज के साथ,
तो जो भी लेडीज काउंसलिंग होता है, लेडीज की थेरेपीज, लेडीज के सेशंस, या लेडीज का XYZ डिस्कशंस, पर्सनल डिस्कशंस, वो मेरी वाइफ संभालती है, और जेंट्स का है वो हम मैं संभालता हूँ। वर्कशॉप्स में भी हम साथ में रहते हैं, और चले 10-12 साल से नॉन स्टॉप हर एक जगह बाहर भी हमको जाना है या सूरत में, शी इज ऑलवेज विद मी एंड शी इज फुल सपोर्ट ऑफ मी। बिल्कुल, हम भी ऐसा चाहेंगे कि वो भी हमारे स्टूडियो में आके हमारे दर्शकों को ऐसे लाइव मिले। अभी हमारा ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम चल रहा है तो सभी लोग देख रहे हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल चाहूंगी, मैं इनविटेशन देती हूँ उनको, बिल्कुल उनको भी आप एक बार हमारे स्टूडियो में भेजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। और आपने आपकी जो एक्टिविटीज आप करते हैं उसके बारे में तो हमारे दर्शकों को बता दिया, बट आज का हमारा जो सब्जेक्ट था मेडिटेशन एंड हीलिंग, तो सबसे पहले मैं पूछूंगी आपको कि मेडिटेशन क्या है। देखिये, मेडिटेशन एक प्रक्रिया है। मेडिटेशन पब्लिक ये समझती है कि खाली आंख बंद करके बैठना वो मेडिटेशन, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन आप करते जाएंगे तो आपको हर तरह के इतने बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप पागल हो जाएंगे। आपको हर तरह के हैप्पीनेस, वेल्थ, हेल्थ वाइज हर एक चीज में आपको बेनिफिट मिलता है। तो पहले तो मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेडिटेशन एक प्रक्रिया है ऐसी कि आप शांत मन से आप आंखें बंद करके बैठ जाए, आपको जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो भले आए, एक बार समझ लो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हमको स्ट्रेस आता है, आप भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूं, हर एक, और कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स या हर एक तरह के, तो वो सॉल्व नहीं होते और फिर हम अंदर ही मन मन सोचने लगते हैं। तो मेडिटेशन एक करने से आप अपनी आंखें बंद करें, थोड़े टाइम के लिए ध्यान करें, तो आपको अंदर से ऑटोमेटिक एक रिजल्ट मिल जाएंगे। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी इनर एनर्जीज जो हमारी बॉडी के अंदर है, नहीं हम देख सकते उसको, वो एनर्जीज बाहर निकलती है, और जब वो बाहर निकलती है तो अपने खुद माइंड को वो कंट्रोल करती है जिससे आप बिट्रे नहीं हो जाते हो। और वो ही मेडिटेशन करते जाओ आप, पहले आपको स्टार्टिंग में शायद नहीं कुछ फर्क पड़े, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े दिन जाएंगे, आप रोज 5-10 मिनट खाली मेडिटेशन करो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आधा घंटा, एक घंटा करो या 3 घंटा करो, हम तो रोज 2-2 घंटे तक मेडिटेशन करते हैं, पर हर एक नहीं कर सकते अपने बिजी लाइफ शेड्यूल के हिसाब से, लेकिन आप 5 मिनट भी करो रोज आंख बंद करके, तो काफी हद तक आपको हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों तीन चीज मिल सकती है। जी, मतलब ये मेडिटेशन का अभी ज्यादा अवेयरनेस हुआ है, पहले इतना नहीं था मेरे ख्याल से। ये मेडिटेशन जो है वो आउट कंट्री में ज्यादा लोग करते हैं, करेक्ट करेक्ट, राइट। तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है वहाँ पे, बट अपने इंडिया में इतना नहीं था, अभी इतना अवेयरनेस आया है, तो वो कैसे आया और लोगों को क्या फायदा हुआ है इसकी वजह से, इसका ज्यादा अवेयरनेस हुआ है वो बताइए आप। देखो, पहले मेडिटेशन खाली फॉरेन में हम सुनते थे, आप इंडिया के बाहर की कंट्रीज में सुनते थे, यूरोपियन कंट्रीज में होता था ज्यादा, कोई भी यूरोपियन या इंग्लिश कंट्रीज में होता था, इंडिया में इसकी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन हम योग करते थे पहले, योग हमारा बहुत पुराना, हमारा इंडिया से ही निकला हुआ है, वो सब करते, लेकिन फिर भी अवेयरनेस नहीं थी। जैसे जैसे ट्रेनर यहाँ बनते गए, और मेरे जैसे काफी ट्रेनर्स हैं, मेरे भी बहुत गुरुजी हैं, मेरे भी बड़े सर्स हैं जिसने मुझे सिखाया है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई, राउंड अबाउट आई कैन से 2008 या 10 के बाद इसके अवेयरनेस बहुत आ गई, और फिर लोगों को उसको अंदर फायदा देखने का मिला। आपके घर में अगर कोई बाय चांस कुछ है और अगर वो मेडिटेशन करता है उसको कुछ रिजल्ट्स मिला है, तो अवश्य वो पड़ोसी को बताएगा या आजू बाजू फ्रेंड सर्कल्स में या अपने फैमिली मेंबर्स को बताएगा। ऐसे ऐसे सर्कल चलता गया, वो अवेयरनेस चले 8-10 साल से इतनी आ गई है कि अभी हर एक घर में मेडिटेशन आप बोलो तो समझ तो जाएंगे, भले करते नहीं होगे, मालूम तो पड़ गया कि व्हाट इज मेडिटेशन। इसके लिए क्या स्पेस बड़ा चाहिए कि कितने स्पेस में रह के वो कर सकते हैं? कहीं मैंने ऐसा देखा है कि कहीं लोगों का पूरा पूरा रूम, मेडिटेशन रूम ही वो अलग से अलॉट करते हैं और उसी के ही अंदर करते हैं, बोलते वहां से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो वो क्या सही है? सही है बात, लेकिन ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। हाँ, अगर आप कोई भी एक जगह पे डेली मेडिटेशन करते हो, शायद आपका घर हो या ऑफिस हो या कोई भी अपनी जगह, तो वो जगह भी एनर्जाइज होती है जी। जैसे हम हमारी बॉडी एनर्जाइज होती है, ऐसे वो जगह भी एनर्जाइज होती है जी। और कुछ समय जाने के बाद वो जगह भी इतनी एनर्जाइज होती है कि आपको वहां तुरंत आप मेडिटेशन लेवल पर पहुंच जाते हैं। जरूरी नहीं है कि बड़ी जगह हो, छोटी जगह हो, हाँ, लेकिन जब जो साथ में जब बैठ के मेडिटेशन करते हैं उसके अंदर एक इफेक्ट 100% है कि वहाँ एनर्जीज बहुत बढ़ जाती है। एक की जगह दो की जगह 10, 10 जगह 15, 20। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि 10-10, 20-20, 50-50 आदमी मेडिटेशन करते, जहाँ जॉइंट एनर्जीज क्रिएट होती है वो 100% यूनिवर्सल एनर्जीज सपोर्ट करती है। मतलब आजू बाजू का लोकेशन जो रहेगा जहाँ पे हम करते हैं मेडिटेशन,
वहां पे पूरा एकदम साइलेंट जोन होना चाहिए, वो जरूरी है मेरे ख्याल। या वो जरूरी है इनिशियल स्टेज पे। या अगर मेरे साथ, अगर मैं मेडिटेशन में यहाँ भी बैठ जाओ और अगर बार आप ड्रम बीच भी बताओ ना, तो मैं मेरे डीप लेवल पे चला जाता हूँ, पर वो प्रैक्टिस के बाद आता है। स्टार्टिंग में आपको एक शांत जगह चाहिए जहाँ आवाज कम हो, जहाँ कोई आजू बाजू आपको डिस्टर्ब नहीं करे, आप बैठो आराम से आंख बंद करके। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे पहले, उसको हम रोक नहीं सकते, उससे भले आए वो नेगेटिव थॉट्स, लेकिन आप अपने ब्रीथिंग पे कॉन्सेंट्रेशन करो। मेडिटेशन का मेन जरिया ही यही है कि फर्स्ट टाइम अगर आप नहीं किया और आपको शुरू करना है तो अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल करो, अपनी ब्रीथ को देखो आप कितनी बार ब्रीथ करते हो इन और आउट। वो अगर लेवल धीरे धीरे आपके अंदर आ गया तो धीरे धीरे एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपको बाहर की आवाज सुनाई नहीं देगी, वो एक स्टेज ही आ जाएगा। थोड़े टाइम जाएगा, थोड़ा महीना जाएगा, थोड़े दिन जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आप एक अंदर से एक अलग कुछ महसूस कर रहे हो, फिर चाहे बाहर आवाज आए कि नहीं आए, देन यू विल बी कंफर्टेबल। बट एट द इनिशियल स्टेज यू, हाँ, वो क्वाइट जगह होना चाहिए। कितने मिनट, कितने घंटे तक वो मेडिटेशन करना चाहिए? मेडिटेशन करने में तो ऐसा है कि आप दिन में 15-15 मिनट बार, मिनिमम 4 बार करो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो स्टार्टिंग स्टेज पे खाली आप 5 मिनट में आंख बंद करके बैठो, जब कोई भी आप काम मोबाइल साइड पे रख दो, कोई इश्यूज नहीं हो आपके आजू बाजू, आप बस अपने अपने अंदर खो जाओ, वो 5 मिनट भी स्टार्टिंग के चलता है। और फिर उसका टाइम बढ़ते बढ़ते आपको अंदर इतनी मजा आएगी कि आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक 10 मिनट पे आ जाएंगे, 20 मिनट पे आ जाएंगे, आधे घंटे पे आ जाएंगे, धीरे धीरे अपना आप टाइम बढ़ता जाता है। और बेसिकली इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं मेडिटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट तो आपके हेल्थ का ही होता है, जो आप सबका बड़ा, सबसे बड़े इश्यू है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दवा भी आप जितनी भी लो तो दवा से भी कुछ होता नहीं है, आखिर में आपको मेडिटेशन पे आना ही पड़ता है। वो एक कहावत है कि व्हेन यू स्टॉप मेडिसिन यू हैव टू स्टार्ट मेडिटेशन। सो उससे पहले है कि अच्छा है कि मेडिटेशन शुरू कर दो। आपका हेल्थ बेनिफिट, आपको इश्यूज है, कोई इंसोमिया, माइग्रेन, कोई भी बॉडी के अंदर की तकलीफ है, ऑर्गन्स की या फिर हेडेक्स की, या साइनस हो, या एक्स वाई जेड, अगर थायराइड हो, कहीं भी आप कोई भी आप डिजीज या रोग ले लो, मेडिटेशन से वो 100% धीरे धीरे करके कम होता है। यस, एंड इट इज प्रूव बाय द वर्ल्ड आल्सो। जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप हमारे ये लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो जरूर हमारे इनबॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे फिरोज भाई आपको बिल्कुल उसका आंसर देंगे। अभी हम बात करेंगे, ये तो हो गई हमारी मेडिटेशन की बात, अभी हम बात करेंगे हीलिंग। हीलिंग क्या है और उससे क्या फायदा होता है? हीलिंग एक प्रोसेस है कि जो दो आदमी के बीच में एनर्जी जब एक्सचेंज होती है उसे हीलिंग कहते हैं। समझो कि आपके यहाँ आपको हाथ में दर्द हो रहा है और अगर आप मेडिसिन लेते हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे आपने सुना होगा रेकी है, ऐसे कई अलग के मॉडलिटीज है, प्राणिक हीलिंग है, प्राणा हीलिंग है, ऐसे ही हीलिंग एक सब्जेक्ट है जहाँ सामने वाला आदमी जिसको दर्द है वो रिसेप्टिव मूड में होना चाहिए, मतलब मैं टेक और अंदर के, और जो देने वाला हो वो भी एक रिसेप्टिव मूड में उसको देना चाहिए कि विद काइंड हार्टेड। तो जब वो एनर्जीज पास करता है बाय हैंड्स, टच हीलिंग भी होता है, जैसे हाथ लगा के भी हीलिंग होता है, मेंटली भी हीलिंग होता है। और हीलिंग प्रोसेस ऐसा है कि वो आप देख नहीं सकते एनर्जी जब चेंज होती है, पर सामने वालों को 100% फर्क पड़ता है, दैट इज कॉल्ड हीलिंग। हीलिंग में एनर्जीज एक्सचेंज होती है, आपको वो दिखती भी नहीं है। अच्छा, वो कितने मिनट की ड्यूरेशन में होती है? नहीं, ड्यूरेशन तो नहीं है, सामने वालों को कितना दर्द है उस पर आधार रखता है। अगर उसको दर्द बहुत लंबा टाइम से या उसको कोई प्रॉब्लम बहुत लंबी है तो थोड़े दिन के अंदर उसको फर्क पड़ता है। नॉर्मल अगर शॉर्ट टाइम में कुछ हुआ है तो तुरंत ही हो जाता है हीलिंग। आप हीलिंग कैसे देते हो, हीलर पे बहुत डिपेंड होता है, जो हीलिंग करता है उस पे बहुत डिपेंड है। मतलब उसके लिए क्या हीलिंग का जो करवाता है, आप तो करवाते हो, आप तो ट्रेनर हो, बट अगर किसी को मुझे करना हो या किसी और को करना है तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ, तो उसके लिए हम, हाँ, हमारे कोर्सेज ना, मेडिटेशन हीलिंग लेवल 1 लेवल 2 जो मैं चला रहा हूँ 6-7 साल से सूरत में, और हर एक जगह मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया, पूरे गुजरात में मेरे चलते हैं वर्कशॉप्स। वो वर्कशॉप आप अटेंड करो, वहाँ हम सिखाते हैं, तो आप भी दूसरों को मदद कर सकते हो। कम से कम दूसरों को नहीं कर सकते, हमारे जैसे प्रोफेशनल बन नहीं सकते, लेकिन अपनी फैमिली की तो मदद कर सकते हो, अपने भाई बहन, मम्मी पापा। वर्कशॉप का जो ड्यूरेशन रहेगा वो कितने ड्यूरेशन, कोई एक दिन का होता है, मतलब वीक में सीख सकता है या महीने में सीख सकता है? नहीं, वो वर्कशॉप होता है एक दिन का या दो दिन का, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, कुछ भी करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। समझो आप गाड़ी लो तो गाड़ी डायरेक्ट तो नहीं चला सकते, खाना पकाना नहीं आता है तो वो पकाना सीखना पड़ता है। ऐसे ये सीखने के बाद थोड़ा टाइम प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा टाइम उसको फॉलो करने की जरूरत है। एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे ये करना है। अगर ऐसा करे, मेरे हाथ नीचे बहुत
बहुत से आ गए और बहुत से ट्रेनर भी हो गए और हीलिंग भी करना बहुत शुरू कर दिया और घर में बहुत फायदे भी हो चुके हैं सर। मतलब जो फायदे मिस बेनिफिट्स हम बोलते हैं हीलिंग से, तो बेसिकली ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोग जो आपके यहाँ अभी आपने इतने सालों से किया है तो क्या बेनिफिट्स हुए हैं, कोई एग्जांपल? उनको देखो, एक को पहले प्रॉब्लम था हेडेक का, मेरे एक क्लाइंट है, उसको मैंने बोला कि आप वर्कशॉप अटेंड करो, उनको एक रुचि जागी कि मुझे वर्कशॉप्स करना है, तो उसने वर्कशॉप्स किया। अब उसका खुद का हेडेक तो चला गया इतने सालों के, लेकिन वो अभी दूसरे बहुत को मदद करता है और जहाँ भी वो हीलिंग देता है वहाँ उसका काम हो जाता है और सामने वाला बोलता है कि वी आर गेटिंग रिजल्ट्स। तो ये एक्सपीरियंस करने का एक ये है पॉइंट। तो मतलब यही है कि आप हीलिंग का अगर सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल फिरोजी का संपर्क करिएगा। अभी हम बात करेंगे ऑरा की, बात करेंगे जी। अभी ये ऑरा क्या है उसके बारे में बताइए। देखो ऑरा, एक तो पहले मैं आपको वर्ड समझा दूं कि ऑरा समझ के पब्लिक पहले तो समझ ही नहीं आती है। सही बात है। एटलीस्ट 80% को पता नहीं चला कि ऑरा क्या है। अब ऑरा इंग्लिश वर्ड है, उसका ट्रांसलेशन मैं करके देता हूँ कि ऑरा हमारी ये बॉडी जो है उसके बाहर एक दूसरी हमारे एक आभा मंडल होती है। हमारी चार बॉडीज होती है, ये हमारी सूक्ष्म शरीर जो हम देख सकते हैं, उसके बाजू में हमारी ऑरा बॉडी होती है, उसके बाद स्पिरिचुअल बॉडी होती है और उसके बाद एस्ट्रल बॉडी होती है। एस्ट्रल बॉडी का भी नाम आपने सुना होगा, एस्ट्रल ट्रेवलिंग भी होता है, आप अपने खुद के मन से निकल के बाहर घूम के रात को वापस अपने बॉडी में आ सकते हो, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रल ट्रेवलिंग। और ये ऑरा है वो हमारे बाजू की बॉडी जो हमारी होती है जो हमें दिखती नहीं है, वो स्पेशल कैमरा और मशीन के जरिए ही दिखती है। तो वो ऑरा देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि ऑरा में क्या डिफेक्ट है, उसके बाद आप उसका गाइडेंस दे सकते हो, आप उसका काउंसलिंग कर सकते हो। अब ऑरा बराबर कैसी है और ऑरा अच्छी है कि नहीं वो पता लगाने के लिए आपको चक्रस चेक करना पड़ेगा। और चक्रस के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, क्योंकि चक्रस के बारे में भी आधे को नहीं पता होगा और जिसको नहीं पता हो खास दर्शक मित्रों सुन ले कि चक्रस जो है हमारी वो एक एनर्जी ग्लैंड्स होते हैं। 7 चक्र हमारे होते हैं, क्राउन चक्र से लेकर रूट चक्र, वो हमारे बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड के बीच में आते हैं। अच्छा, वो दिखते नहीं है लेकिन दे आर देयर एंड इट इज प्रूव्ड बाय द ऋषि मुनीस और हर एक जगह ने बरसों से चक्र के बारे में सबने किया है। खुद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी वो भी ऑरा में बहुत बिलीव करते हैं, उनके कई वीडियोस भी है। तो ऑरा अगर आपके अच्छी है तो आपके चक्रज अच्छे हैं, और अगर आपके चक्रज अच्छे हैं तो आपकी ऑरा अच्छी है, और अगर आपकी ऑरा और चक्र दोनों अच्छे हो तो आप अच्छे हो। तो ये टोटली बॉडी, मेन बॉडी जो हमारी है वो ऑरा और चक्र पे टिकी हुई है। ऑरा में हर एक चीज कवर हो जाती है और जो 7 चक्रज हमारे वो हेल्थ रिलेटेड भी है, वेल्थ रिलेटेड भी है। मेरे दर्शन मित्रों को ऐसा पता चला होगा, ये मेडिटेशन में बात करते हो ऑरेंज करते मेन पैसा की बात कर, पर आज की जो जरूरत है पैसा है, वो भी हमारा एक चक्र होता है रूट चक्र, अगर वो डिस्टर्ब होता है, वो ब्लॉक होता है तो 100% यू मस्ट बी फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। वो सब पूरे काउंसलिंग में आता है। हर एक चक्र हर एक इंडिकेशन देता है, इमोशनल या ब्लॉक हो तो भी आपकी ऑरा खराब हो सकती है, मेंटल या ब्लॉक हो तो भी आपकी ऑरा ब्लॉक, फाइनेंशियल या ब्लॉक हो तो भी आपकी बॉडी चक्र डिस्टर्ब हो सकता है, फिजिकली भी आप अगर डिस्टर्ब हो तो भी आपके चक्र डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपके चक्र अगर सही अलाइनमेंट में है तो आप बराबर जी। मतलब ये सब चक्र की महामारी है, महामारी है, चक्र की महामारी है। इसे ऑरा का, तो ऑरा के बारे में आपने ये सब तो बता दिया जी। अभी और सबको अगर कुछ ज्यादा जानकारी चाहिएगा तो हम दूसरा एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे, स्पेशली ऑरा पे करेंगे। ऑरा में आपको बता दूं कि मेरे पास जो मशीन है बायोवेल का, उसके अंदर डिटेक्ट हो जाता है कि आपके अभी क्या डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में। हम बीमारियां ये हम शब्द यूज नहीं करते, हमारे स्पिरिचुअल कोच में वर्ड नहीं दिए हैं, हम ऐसा बोलते हैं डेफिशिएंसी आपने क्या। अच्छा, डेफिशिएंसी जो है 5 साल 10 साल बाद आपको क्या डेफिशिएंसी आने वाली है वो भी डिटेक्ट हो जाता है, और उसके जरिए हम उसका काउंसलिंग करते हैं, रेमेडीज देते हैं, वो सब मेरे सेंटर पे होता है। तो जिसको ऑरा कराना हो दर्शक मित्रों को, तो आप इनका भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वेब चैनल का भी, उसके जरिए भी मेरे पास आ सकते हैं रिपोर्ट्स निकालने के लिए। बिल्कुल, लास्ट में हम आपकी सब इन्फॉर्मेशन भी हमारे दर्शकों को देंगे कि अगर किसी को आपके पास कराने के लिए आना है तो आ सकते हैं। आपने वो मतलब वो जो मशीन या कैमरा जो अभी बताया आपने, ये स्पेशली कुछ होता है? हाँ, ये रशिया का कैमरा है मेरे पास, और ये मेरे ख्याल से सूरत में 2-3 जगह ही होगा या ज्यादा नहीं होगा। ये बायोवेल का रशियन कैमरा है, उससे पहले क्लियर फोटोग्राफी का उसमें कलर दिखता था लेकिन वो पुराना हो गया। अभी ये फिंगर डालने से 10 फिंगर्स आप एक एक करके डालो अंदर, उसमें पता चल जाता है कि आपकी ऑरा कैसी है, आपके चक्रस के ऑन द स्पॉट स्क्रीन पे आ जाते हैं लाइव, जैसे हम जैसे अभी लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे लाइव आ जाता है, तो उस पर सीधा ही आपको डिटेक्शन हो जाएगा कि आपकी बॉडी किस तरह बिहेव कर रही है। ओ, वेरी गुड,
वेरी नाइस। तो मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे टेक्नोलॉजी बढ़ बहुत रही आगे है बढ़ गई है, सॉफ्टवेयर भी और बहुत निकल गए अभी हैं, शायद हम 6 महीने बाद मिलेंगे तो कुछ तो और कुछ निकल और कुछ जाएगा। निकल जाएगा। तो ऐसे है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जी कर रहे जी हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब नहीं कुछ था, कराने के लिए बहुत सारी मुश्किलें ही होती थी। तो रिपोर्ट कराने जाओ तो भी 24 घंटे पता बाद यस 24 मिलता कलम था, मिलता छह था दो दिन बाद मिल रहा या था, बट अभी सब इंस्टेंटली सबको मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी आप लोगों को भी कुछ मदद करते हैं, मैंने ऐसा सुना है, तो आप कैसे हेल्प करते हैं वो बताइए। देखो, एक तो मैं साफ बता दूं, मैं ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन एक लाइव प्रोग्राम है कि कभी हीलिंग की किसी को जरूर पड़े तो जी मैं होटल सॉरी एप्पल हॉस्पिटल है या महावीर हॉस्पिटल है, वहाँ मेरे जो क्लाइंट्स है जी उसका अगर कोई रिश्तेदार है उसको हीलिंग की जरूर है तो जी मैं खुद जाता हूँ। आई एम नॉट जी चार्जिंग एनीथिंग, वो मैं वाह चैरिटी के हिसाब से करता हूँ, जी मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरे जी वर्कशॉप्स चलते हैं, जी लेकिन साल में मैं 2-3 वर्कशॉप्स फ्री रखता हूँ, जी जो भी आना चाहे जो भी सीखना चाहे जी उसका टोटली कॉस्ट मैं बेयर करता हूँ, और जी मेरे दर्शक मित्रों या मेरे क्लाइंट्स या मेरे पार्टिसिपेंट्स को इसका 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता है। जी दैट आई एम गिविंग सर्विस एज ए ह्यूमैनिटी, और बहुत ही कहीं अच्छी हीलिंग्स बात भी है करने जाता हूँ घर में, जहाँ जरूरत होती है वहाँ पैसा लेता हूँ, जहाँ नहीं होती है नॉर्मली आई गो चैरिटी के हिसाब से। या बहुत ही अच्छी बात है ये। तो अभी हम ये तो बात कर रहे थे, अभी आपने जो बताया मेडिटेशन का, हमने जो बात किया हीलिंग जी का, जो बात किया और ओरो का भी बात किया, तो आप अभी चिल्ड्रंस के भी कुछ वर्कशॉप करते हैं, तो वो कैसा कैसे होता है, मतलब क्या चिल्ड्रंस का कौन सा वर्कशॉप, वर्कशॉप करते हैं। चिल्ड्रंस का मतलब कंसंट्रेशन। देखो, आज की तारीख में बच्चों को यही प्रॉब्लम है कि उनका फोकस, कंसंट्रेशन, उनका गुस्सा, यही प्रॉब्लम जी हमारे ऑफिस में ज्यादातर आते हैं। ज्यादा मेरे आते हैं सेंटर पे यही कंप्लेंट लेके पेरेंट्स आते हैं कि जी बच्चा बिगड़ गया है, नॉटी हो गया है वो, या तो हम इसके लिए एक वर्कशॉप डिजाइन किया है, वो मैं सिर्फ 2 बार करता हूँ 6-6 महीने में, अच्छा दिवाली वेकेशन एंड मई वेकेशन। जी उसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेशन फोकस ताकि उसके परसेंटेज बढ़ जाए, जी और जी 100% वर्कशॉप्स करने के बाद मेरे प्रूफ है, और ओपन में दर्शकों को बताता हूँ कि आई एम कीपिंग एवरीथिंग ऑन फेसबुक, ओपन है वाह मेरे मीडिया से, या बिल्कुल आपको मेरे नाम पे कहीं भी आप क्लिक करके देख लो तो जी उसका पब्लिक का फीडबैक या बच्चों का फीडबैक बच्चों आपको को मिल मिल जाएगा। तो जाएगा वो राइट कॉन्सेंट्रेशन हम करते हैं ताकि वो शांत हो जाए, फिर इम्पेशेंस बहुत होते हैं बच्चे, राइट तो वो सब हम राइट स्कूल हमारे क्लासेस में सिखाते हैं, वर्कशॉप जी में, जी और मैं 2 बार करता हूँ, दिवाली एंड मई वेकेशन। ओके उसमें बच्चों को बहुत फायदा होता है, पेरेंट्स जी ऑल्सो सेटिस्फाइड विद दैट या वर्कशॉप। ये या बच्चों को संभालना, बच्चों को साथ मतलब बात करना, वो सब आज बहुत सारी पेरेंट्स को मुश्किलें या वो हो बहुत रही है, मुश्किल है, क्योंकि बच्चा कुछ और समझता है, पेरेंट्स कुछ और समझते हैं लैक ऑफ उसके अंदर। कम्युनिकेशन बहुत यस रहता है यस पेरेंट्स के यस अंदर। यस बहुत सारे कम्युनिकेशन जी गैप रहता ही है, या 100% ये अभी बात हो चुकी है। और स्कूल में जाते हो तो शायद वो अपने टीचर्स को भी नहीं समझ नहीं पाते हैं, समझ शायद पाते। ऐसा हो रहा है, तो अब आज का इसके माहौल ही ऐसा है, माहौल ऐसा फास्ट है लाइफ में सब चल या रहे हैं, चल तो रहे हैं कोई एक भी बिल्कुल दूसरे की सुनने को तैयार नहीं तैयार है, ही तो नहीं है राइट वर्कशॉप ऐसा जरिया है कि जहाँ जी उनको, बच्चों को भी, उनको खुद को लगता जी है कि नहीं, वी हैव टू गेट ट्रेन बाय राइट आवर सेल्फ, तो राइट काफी राइट हद तक फर्क पड़ जाता या है। तो हमने ये बच्चों की भी बात कर ली आज, मतलब हम सब कुछ आपको बता रहे हैं कि सभी सब कुछ प्रॉब्लम से आप बाहर निकलना चाहते हैं, लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हमको आते हैं उसे बाहर निकलना है, तो 100% फिरोजी का ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा अभी लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि फिरोजी इतने सारे मल्टी टैलेंटेड है। अभी एक और बात भी पूछ रही हूँ, जी टैरोट कार्ड का भी कुछ आपने अभी वर्कशॉप किया हाँ, था, तो वो भी आप बता दीजिए लास्ट वीक में अभी। मैं को टैरो रीडर भी हूँ, अब इतनी सारी जी डिग्री बांटने जाऊंगा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन राइट टैरो रीडर भी हूँ, तो लास्ट 4 दिन पहले ही मेरा वर्कशॉप जी हुआ लॉर्ड्स जी प्लाजा पे टैरो जी के बारे में, और जी टैरो वर्कशॉप भी करने जैसा है, जिसको इंटरेस्ट है वो भी कर जी सकते हैं। जी वो कार्ड्स डिटेक्ट करते हैं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जी आप अगर अंदर ही अंदर कुछ मिक्स हो गए माइंड से, कुछ जी डिसीजंस लेना है कि नहीं, आप दूसरे को पूछ सकते हो, तो जी टैरो कार्ड रीडिंग करने से आपको बहुत फर्क पड़ता है, एंड यू कैन राइट गेट योर डिसीजंस एंड ओ यू कैन मेक योर डिसीजंस। राइट तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब हम लोग वन बाय वन टॉपिक पे हम डिस्कशन हमारी आगे बढ़ाते रहेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट शो है। अभी हम बात करेंगे आपकी लास्ट, अभी कौन सी एक्टिविटीज होने वाली है। मेरा वर्कशॉप संडे है लॉर्ड्स जी प्लाजा में, तो जी दर्शक मित्रों को खास मैं इनवाइट कर रहा हूँ, अगर थर्ड आई पे है, अभी जी थर्ड आई दूसरा सब्जेक्ट या है, इसीलिए मैंने पूछा आपको थर्ड आई क्योंकि ये आग्ना अधिकतर चक्र, जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ का जो जी छत्था चक्र कहते हैं, आग्ना हाँ चक्र ये आईब्रोज के बीच में आता है, जी वहां जी से ही हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जी नेगेटिव थॉट्स भी वहां से आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी वहां से आते से हैं, आते हैं
नेगेटिव थॉट्स निकलते भी यहाँ से, ये समझो कि हमारी एक बारी है, right. एक खिड़की है हमारी, right. एक विंडो है जहाँ से हमारा आउटलेट होता है थॉट्स का, जी. तो उसके ऊपर वर्कशॉप है सिक्स सेंस डेवलपमेंट, जैसे बच्चों का होता है ऐसे बड़ों का भी है, तो ये बड़ों का एडल्ट्स का है, 18 साल से लेके 70-80 इयर्स तक आ सकते कोई भी, और वो वर्कशॉप मेरा परसों है संडे 24 जून होटल लॉर्ड्स प्लाजा पे, और टाइमिंग्स है मेरा 8:30 to 1:30 मॉर्निंग में है, वो 5 घंटे का ही हो सकते हैं क्योंकि यू कैन नॉट बेयर मोर देन 5 आवर्स, वो जरा हैवी वर्कशॉप है और हम सिर्फ आज्ञा चक्र पे फोकस करते हैं, तो उसमें मेरी एनर्जी भी बहुत जाती है और पब्लिक को भी एनर्जी बहुत फील होती है उसके अंदर, और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आता है नेचर में. जी जी, बहुत ही बढ़िया बात है. तो अगर आपको ये भी वर्कशॉप अटेंड करना है तो आप इनके साइट्स पे जा सकते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. अभी हम हमारा कार्यक्रम के एंड में आते हैं, और आपके बारे में जो अभी बताया, आपकी मतलब ऑफिस कहाँ पे है, आपके अगर किसी को कांटेक्ट करना है, इजी कांटेक्ट करना है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए. देखो मेरा ऑफिस नानपुरा में है, पालिया स्ट्रीट, मेरा परफेक्ट एड्रेस है 502 स्टेटस बिल्डिंग पालिया स्ट्रीट अपोजिट हिल्स नर्सरी सूरत, और मेरा नंबर है 9879500152. फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 9879500152. ये फोन करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप मुझे मिल सकते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप आएंगे तो आपको खुद ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. अगर इनको आपको देखना है तो आप सोशल साइट्स पे भी देख सकते हैं, फिरोज मोरकस करके, फिरोज मोरकस करके मेरा एफबी पे है, यूट्यूब पे भी है, मेरा पेज है सीक्रेट स्टेप्स का, जो मेरा फॉर्म का नाम है सीक्रेट स्टेप्स, वो वहाँ भी आप लिंक करके आप ज्वाइन हो सकते हो. वेबसाइट्स अगर है तो वो भी, वेबसाइट्स तो अभी बनाई नहीं है मैंने, लेकिन ये मेरा पेज है उस पर आप ज्वाइन हो सकते हो. जी बिल्कुल ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिरोज जी, आपने इतनी अच्छी हमारे दर्शकों को जानकारी दी, और हम आपको वापस बुलाएंगे और जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को. तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.